मैंने प्रिंसिपल मैम के घर पे आना था। हेलो एवरीवन, क्या हो गया? इसकी मजदूरी चल रही है, बहुत गंदी मजदूरी चल रही है। फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं मॉर्निंग 6:30 से। मैं डेली सोचता हूँ आज व्लॉग बनाऊंगा, बट मेरा शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है आप लोगों से बात करने का। तो फाइनली मैंने आज डिसाइड किया कि एक व्लॉग बनाते हैं, आपको आज का रूटीन दिखाते हैं कि मेरा रूटीन कितना बिजी चल रहा है। एक्चुअली हो ऐसा रहा है कि डांस क्लास, स्कूल में भी डांस कॉम्पिटिशन आ गए हैं, तो स्कूल में भी पूरा दिन बिजी रहता है। उसके बाद होम ट्यूशन, फिर वेडिंग कोरियोग्राफी। कल भी रात को मैं 1 बजे घर आया और उसके बाद भी म्यूज़िक वगैरह एडिट किया तो 2 बज गए और सवेरे फिर 6 o'clock उठना पड़ा। और अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो गया हूँ फटाफट और स्कूल निकलते हैं। और एक और रीज़न है व्लॉग ना बनाने का, मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ये देखो यहाँ से मतलब बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हो गए थे, यहाँ पे भी, तो मैंने थोड़ा दिन व्लॉग अवॉइड किया कि नहीं बनाया, थोड़ी सी शक्ल अच्छी हो जाए तो बनाऊँ, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या मुँह दिखा दिया तुम लोगों ने। अरे तू मेरा फोन लेके भाग गया था, फिर तू लोग ना गाइस करता। तो गाइस अभी हमें थोड़ी दूर और जाना है, फिर वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करनी है, वहाँ से बस हमें आएगी लेने और फिर हम लोग जाएंगे स्कूल। लाइटें ऑन होने वाली है तो फटाफट हम फोन को रखते हैं और चलते हैं स्कूल। और ये है स्टाफ बस जिसमें हम सारे स्टाफ इकट्ठे स्कूल जाते हैं। और रास्ता इधर का इतना प्यारा है, शायद मैं कैमरे से आपको अच्छी तरह नहीं दिखा पा रहा हूँ बट मेरी आंखों से बहुत प्यारा दिख रहा है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं स्कूल और अब चलते हैं डांस क्लास में, थोड़ी सी क्लास लगाते हैं और उसके बाद मेरे को स्कूल तक ही जाना है। तो मिलते हैं आपको व्लॉग में। गुड मॉर्निंग, डोंट ड्रैग योर फीट, पैर उठा के चलो, हाथ पे चले बंदा फिर चलो। सो गाइस मैं फ्री हो चुका हूँ स्कूल से और अब जा रहा हूँ घर, और आज बहुत जल्दी फ्री हो गया हूँ, सारे टीचर मेरे को घूर के देख रहे थे। सो गाइस आज प्रिंसिपल मैम ने मुझे जल्दी फ्री कर दिया क्योंकि मुझे स्कूल से ही डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम के घर जाना है, उनकी डॉटर की एक वीडियो बनानी है और मैं किंडरगार्टन के साथ जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। सो गाइस मैं स्कूल से तो आ गया हूँ बट यहाँ पता नहीं लग रहा घर कौन सा है। मैंने प्रिंसिपल मैम के घर पर आना था, उनकी डॉटर की एक वीडियो बनानी है कुछ स्पेशल सिनेमेटोग्राफिक टाइप, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बुलाया है। और यहाँ पे आके मुझे घर नहीं पता लग रहा और मैम फोन नहीं उठा रही। रिंग लाइट, केक केक है, रिंग लाइट नहीं है, नहीं है। बोल लो वैसे कुछ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या बोल रहे हैं इसके आगे? हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? क्या हो गया आप सब लोग? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? क्या करना है यार, भूल गई, ऐसा करना था। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो लेट्स वॉक टुगेदर प्लान, दोबारा बोलो, थोड़ा खुश हो गए। सही बोला है ना, बेटर देन बिफोर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड, फाइन, बस। दिस ईयर आई एम टर्निंग टू 10, सो आई एम इनवाइटिंग यू टू ऑल ऑन माय बर्थडे व्हिच इज ऑन 23rd अक्टूबर एट रुतबा, सो लेट्स रॉक टुगेदर। आपको पता है मैं व्लॉग बनाता हूं? हम्म, आपने देखा मेरा व्लॉग? नहीं, मम्मा ने देखा व्लॉग? नहीं, हम बता। आप मेरे व्लॉग नहीं देखते? नहीं। अब आप मेरे व्लॉग में आओगे? आपको पता है? वेरी गुड, ये लड़की व्लॉग बनाती है और व्लॉग बना के अपने फ़ोन में सेव करती है। क्या? आप व्लॉग बना के फ़ोन में सेव रखते हो अपने, ना? तो गाइज मैं आ चुका हूँ घर और अब हम लोग जा रहे हैं जिम। मतलब मेरा शेड्यूल इतना बिजी होता है कि मैं दिखाई नहीं पाता आपको क्या कर रहा हूँ क्या, क्योंकि इसमें म्यूजिक लगा होता है। पहले स्कूल में गया, फिर वहाँ पे क्लासेस लगाई, फिर प्रिंसिपल मैम, मतलब इन शॉर्ट इसकी मजदूरी चल रही है, बहुत गंदी मजदूरी चल रही है। फिर प्रिंसिपल, अभी जो टाइम है ये टाइम तो होता है ना, दिमाग फ्रेश रहता है, मतलब दिल गार्डन हो जाता है ना, हरियाली हो जाती है, तो उसमें भी हरियाली रहती है। समझ रहे हो आप, मतलब वर्कआउट करते हैं, मशीनें दिखती है ना, मशीनें जिम में, एडवांस मशीनें आ रही है नवी आजकल, फोर आर्म्स की आई है, एक एब्स की आई है, कार्डियो की आई है।
तो अब हम लोग जा रहे हैं जिम, और इसके बाद फिर मेरे को जाना है वेडिंग कोरियोग्राफी पे, और वो कोरियोग्राफी भगवान कोरोसिन की गोलियां खा के करनी पड़ती है मुझे। अभी तक उनके सॉन्ग्स डिसाइड होने में बहुत दिक्कत आ रही है, और अगले सैटरडे फंक्शन है उनका, देखो क्या बनता है। और अब हम लोग चलते हैं जिम, ऊपर लगाते हैं वर्कआउट, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये वेट है 100, मतलब 1 kg, 1 क्विंटल है, 1 kg कह रहा हूँ, 1 क्विंटल है, बट मेरा इसका ये भी लगाने का मन नहीं कर रहा, और जबकि मैंने 150 तक लगाया हुआ है। क्या लगता है आपको, मैं इसे लग जाएगा? जैसे लग जाएगा तो इसे ज्यादा लगा, 1 साल इसे लगाता है तो। 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही, खाना नहीं खा रहा, सही डाइट नहीं हो रही, तो देखो लगता है कि नहीं। निकल गए सुस्ती? बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, पर अभी जाके वेडिंग कोरियोग्राफी करानी है, वो सोच सोच के मेरा दिमाग और ज्यादा थक रहा है। तो गाइज़ हम लोग अब हो चुके हैं फ्री जिम से और जिम क्लास से, और मेरी फाउंडेशन भी सारी मतलब इससे पहले हो चुकी हैं। अब एक लास्ट क्लास रह गई है वेडिंग कोरियोग्राफी, मतलब इसमें बहुत सफाई होती है, सिर दर्द होता है, मेरा पहले से सिर दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी वहाँ जाके और होगा। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:20, उसके बाद एक क्लास थी बट वो नहीं लगा रहा हूँ मैं, सीधा उनके पास जाना है, सिर दर्द हो रहा है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन में, मतलब यहीं पे मेरी वेडिंग कोरियोग्राफी है, ये 3 घर हैं, और मिलाता हूँ मैं आप लोगों सबसे। और मेरा फ़ोन म्यूज़िक पे रहेगा तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा मैं, जैसी जैसी वीडियो बनेगी आप लोग एडजस्ट कर लेना, बाकी मिलते हैं अंदर जाके। गाइज ये है हमारा सेटअप, मतलब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और मैं कोरियोग्राफ करूँगा, कुछ कोरियोग्राफीज हो चुकी हैं और कुछ कुछ रहती हैं, मतलब म्यूज़िक डिसाइड नहीं होता इसलिए रहेगी थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे राजा की तरह बैठ के जो घर के सीनियर लोग हैं वो देखेंगे, और यहाँ पे भी कुछ राजा की तरह बैठ जाएंगे। यहाँ कोरियोग्राफी में सबसे टफ सॉन्ग डिसाइड करना, और अभी भी सॉन्ग डिसाइड हो रहा है, और थीम ऑलमोस्ट थोड़ी सी रेडी है और कुछ नहीं रेडी है, और मैं सॉन्ग्स आपको बता नहीं सकता कौन कौन से हैं, आपको दिखाऊंगा, ब्लॉग में बने रहो, आपको मज़ा आएगा। और अभी मैंने सबको कॉल कर दिया, ग्रुप में मैसेज कर दिया, सब लोग आ रहे होंगे, और उसके बाद मैं शायद आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा फ़ोन म्यूज़िक पे कनेक्ट होगा और ये लोग कुछ कुछ अपशब्द बीच बीच में बोलेंगे तो मैं टू टू नहीं कर सकता। अभी 2 पागल बच्चों की डन हो गई है। अब है गर्ल्स की बारी है ना। सो गाइज वेडिंग कोरियोग्राफी में सबसे ज़्यादा टफ काम होता है सॉन्ग डिसाइड करना, और अगर मैं इनको सॉन्ग डिसाइड करके दे भी दूँ तो इनको पसंद नहीं आता, और अगर इन्होंने एक दिन कर भी लिया तो नेक्स्ट डे ये चेंज कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ ये लोग सॉन्ग खुद ही बताएं और मैं उस सॉन्ग पे करवा दूँ जो इनको पसंद हो। और ये 2 दिन से ऐसा चल रहा है, सॉन्ग बार बार चेंज हो रहा है, तो बहुत टफ हो रहा है यहाँ पे करवाना, बट मैं फिर भी करवा रहा हूँ और पूरी फैमिली को डांस करवाया है। रात के बज रहे हैं 11:40 और ऐसा लग रहा है ये लोग मुझे किडनैप करवा के यहाँ पे डांस करवा रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मॉर्निंग से ही मैं बहुत थका हुआ हूँ। रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और बेदी फैमिली ने मेरे को किडनैप करके वो करा रहे हैं, वेडिंग कोरियोग्राफी करवा रहे हैं। नहीं मैम मीठा नहीं खाता।